महत्वपूर्ण खबर पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर चुकी है। इसमें मध्य प्रदेश की 24 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी के नामों का ऐलान है। और विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रत्याशी बनाया गया है। खास बात यह है कि छिंदवाड़ा, इंदौर, उज्जैन, बालाघाट, धार ये अभी होल्ड कर ली गई है। तो छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। सरोज पांडे, चिंतामणि महाराज, विजय बघेल समेत कई ऐसे नेताओं के नाम शामिल हैं जिनकी चर्चाएं चल रही थी। कोरबा से सरोज पांडे को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि सरगुजा से चिंतामणि महाराज को उम्मीदवार बनाया गया है। दुर्ग से विजय बघेल उम्मीदवार होंगे। और लगातार इसके बाद रिएक्शन के सिलसिले भी चलते रहे। डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस लिस्ट को लेकर अपना रिएक्शन दिया। तो मुख्यमंत्री की तरफ से रिएक्शन वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तस्वीरें जिसके जरिए लिस्ट सामने रखी गई और अब चर्चाएं पूरे देश में चल रही हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों के लिए ये सूची जारी की गई है। खासतौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर फोकस रहा। कई सिटिंग एमएलएज के टिकट कटे। मुख्यमंत्री की तरफ से अब प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। मुझे इस बात नता है कि आज पूरी लोकसभा चुनाव के 195 माननीय सांसदों की सीट का अनाउंस किया गया है और इस सीट के माध्यम से संकेत हो गया है कि हम अपने सशक्त जनता के बीच लोकप्रिय उम्मीदवारों को लेकर के जा रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि प्रदेश में भी 24 सीटों का अनाउंस हुआ है और इसमें सभी वर्गों के साथ सभी परिस्थितियों को देखते हुए यथायोग्य पार्टी ने जितना बेहतर कर सकते थे उतना अच्छा करते हुए निर्णय किया है। मैं अपनी ओर से सभी उम्मीदवारों को बधाई देना चाहूँगा और निश्चित रूप से हम अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश की सभी सीटें जीत करके और देश की भी सभी सीटें जीत करके हम फिर एक बार 400 पार की तरफ आगे बढ़ेंगे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने विदिशा से जिम्मेदारी दी है। तो न्यूज 18 ने भी खास बातचीत की है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान लोकसभा सीट से एक बार फिर पार्टी ने उतारा है। एक समय शिवराजी अटल जी ने खुद ये सीट आपके लिए छोड़ी थी जब 1991 में जब पहली बार आप चुनाव लड़े थे। मेरा सौभाग्य कि अटल जी का आशीर्वाद मुझे मिला था और अब फिर सौभाग्य है कि युग पुरुष युग दृष्टा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत का संकल्प पूरा होते हुए देख रहे हैं और मेरे लिए आनंद का विषय यह है कि उस संकल्प की सिद्धि में गहरी सा योगदान करने का अवसर हमको भी मिलेगा। मैं केंद्रीय नेतृत्व का श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, श्रद्धेय अमित जी का आभारी हूँ कि फिर से विदिशा की जनता की सेवा का सौभाग्य मुझे मिला है। हमेशा अटल जी कहते थे विदिशा पति आपको और हमेशा ये बात होती थी और विदिशा और आप एक दूसरे पर है, अब एक बार फिर से लोकसभा में आप जा रहे हैं। वो हमेशा प्रफुल्लित रहते थे, आनंदित रहते थे और मैं जब भी मिलता था मुझे यही कहते थे आओ विदिशा पति। तो अटल जी अद्भुत थे और मेरा सौभाग्य है कि जिस सीट से अटल जी लड़े उस सीट से अब छठवीं बार लड़ने का मौका मुझे मिल रहा है। अब 24 सीटें घोषित हो चुकी है। आप हमेशा हम चुनाव प्रचार में भी जब भी देखा तो कहते थे 29 हार गले में डालना है। अब एक बार देखिए मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें बीजेपी जीतेगी, हम सारी सीटें जीतेंगे, फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार ये जमीन पर उतर रहा है। एक चुनौती छिंदवाड़ा की हमेशा आती थी, कमलनाथ विधानसभा में तो धूल चटाई, अब क्या किस तरह का छिंदवाड़ा जीते? अब कहीं कोई चुनौती बची ही नहीं। वैसे भी अब राहुल गांधी जी आ गए हैं, वो जहां आते हैं वहां कांग्रेस का वंटाधार वैसे ही हो जाता है। उनकी यात्रा पिछली बार भी जहाँ जहाँ से गुजरी वहाँ कांग्रेस गुजर गई, अब इस बार भी कांग्रेस का हश्र यहाँ बुरा होने वाला है। देखिए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जो बता रहे हैं कि राहुल गांधी भी एमपी में आ गए और कांग्रेस का वही हश्र होगा जो सामने आएगा। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। और भोपाल लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी ने आलोक शर्मा पर भरोसा जताया। न्यूज 18 ने खास बातचीत आलोक शर्मा से भी की है, उनकी तरफ से क्या कहा गया ये भी आपको सुनाएंगे।
भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा पर पार्टी हाईकमान ने एक बार फिर भरोसा जताया है। आपको टिकट मिलने की बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो सर्वप्रथम तो मैं देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, देश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा का, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी का, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी का, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान जी का और प्रदेश संगठन का और केंद्रीय नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को भोपाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। देखिए आज तो भोपाल में कोई चुनौती नहीं है, मध्य प्रदेश में कोई चुनौती नहीं है, देश में कोई चुनौती नहीं है। चुनौती है तो विकास की है। हम भोपाल को विकास में किस प्रकार से आगे ले जाएं, इसके लिए भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, इस दिशा के अंदर हम जनता से ही संवाद करेंगे, चर्चा करके भोपाल का चुनावी मैनिफेस्टो बनाकर भोपाल की जनता की सेवा करने का कार्य करेंगे। साथ भी दीदी हमारी बहन है, मैं स्वयं उनके पास जाऊंगा और उनका मैं आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। विधानसभा चुनाव में कोई गलती नहीं है, यहाँ का जो चुनाव है, यहाँ की डेमोग्राफी ही ऐसी है, यहाँ का चुनाव ही कांग्रेस ने मेजोरिटी और माइनॉरिटी का कर दिया था। हम तो हर चुनाव के अंदर, चुनाव में जीत हार तो होती है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भोपाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है और उस सीट को हम हर हालत में। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी 11 सीटों पर ऐलान कर दिया गया है। कोरबा से सरोज पांडेय को जिम्मेदारी मिली है। न्यूज 18 ने सरोज पांडेय से चर्चा की। बीजेपी ने अभी जो है पूरे 11 सीटों पर जो है अपने नामों की घोषणा कर दी है। हमारे साथ हैं कोरबा से प्रत्याशी सरोज पांडेय जी। सरोज पांडेय जी जो है कोरबा से आपको प्रत्याशी बनाया गया है और वहाँ भी एक महिला सांसद है, कितनी चुनौती मानती है? कोई चुनौती नहीं है। और ये इस बार जो है वो एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ महंगाई जो है विपक्ष उठा रहा है उसका मुद्दा, तो ये कितना काम करेगा उनका मुद्दा? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष कोई आरोप लगाने की स्थिति में नहीं है। विपक्ष अपने गिने चुने सीटों को बचा ले तो भी बहुत बढ़िया। बीजेपी ने अभी जो है पूरे 11 सीटों पर जो है अपने नामों की घोषणा कर दी है। हमारे साथ हैं कोरबा से प्रत्याशी सरोज पांडेय जी। सरोज पांडेय जी जो है कोरबा से आपको प्रत्याशी बनाया गया है और वहाँ भी एक महिला सांसद है, कितनी चुनौती मानती है? कोई चुनौती नहीं है। और ये इस बार जो है वो एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ महंगाई जो है विपक्ष उठा रहा है उसका मुद्दा, तो ये कितना काम करेगा उनका मुद्दा? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष कोई आरोप लगाने की स्थिति में नहीं है। विपक्ष अपने गिने चुने सीटों को बचा ले तो भी बहुत बढ़िया। राहुल गांधी जो है वो यहाँ यात्रा किए थे और पहले ही जो है वो उनकी यात्रा खत्म हो गई 2 दिन पहले ही, इसको लेकर क्या कहेंगे, कितना उनका जो है प्रभाव देखने को मिलेगा? आपने कहा कि 2 दिन पहले यात्रा खत्म हो गई, जब यात्रा को समर्थन नहीं मिला तो यात्रा चलेगी कहाँ से? तो ये थी हमारे साथ जो है वो कोरबा से प्रत्याशी बनाई गई सरोज पांडेय। उनका कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा का कोई भी जो है लाभ कांग्रेस को नहीं मिलेगा। कैमरा पर्सन नवीन के साथ विश्व शुक्ला, न्यूज 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।